वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ मामा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मम्मी मम्मी, हाँ क्या हुआ? मम्मी मुझे 500 रुपए चाहिए। मुझे भी। अरे लेकिन क्यों? हमें टैटू बनवाना है। अरे कौन सा टैटू बनवाना है 500 रुपए का? त्रिशूल वाला। अरे तो त्रिशूल के टैटू के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करने हैं? ये तो मैं घर में बना दूंगी। है? हाँ। तुम्हें पता नहीं है? अरे मैं तो एक्सपर्ट हूँ टैटू बनाने में। कोई नहीं मम्मी, हमें पता है उतना दर्द तो होता ही है। हाँ। अच्छा आप तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। ओके। अब बनाती हूँ इनका त्रिशूल वाला टैटू। चलो बच्चों रेडी हो जाओ। रेडी हो? यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब अपनी आंखें बंद करो, मैं आ रही हूँ। ओके। चलो अपना हाथ दो। कहाँ बनाना है? यहाँ पे। हाँ। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बच्चे आ गए खेल कर और आ गए तुम लोग खेल कर। हाँ। कैसा रहा तुम्हारा गेम? बहुत अच्छा। मुझे ठीक नहीं है। क्या हो गया? बुखार आ रहा है? इसको तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। इसको
रानी अभी तक तो ठीक थी, पर अभी रास्ते में थोड़ा नजर तुम्हें लग गई मेरी बच्ची को। क्या हुआ बेटा? चल मैं तेरे लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। थोड़ा सा काढ़ा। हाँ जी पी लो। थोड़ा सा काढ़ा पी लो, आपकी तबियत ठीक हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी तबियत ठीक हो जाएगी काढ़े से। थोड़ा सा हाँ जी चलो, कोई नहीं दीदी, काढ़ा पिएगी तो ठीक हो जाएगी। लो चलो रिद्धि खड़े हो, चलो जल्दी से काढ़ा पिएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा पिएगा। अरे अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं होना करवा। अच्छा अरे अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा एलर्जी जैसी हो रही है। एलर्जी कैसे हो रही है? डस्ट से शायद। अरे फिर तबीयत खराब हो रही है इसकी भी, ये देखो तो इतना तेज। नहीं मम्मी नहीं हो रही है, मिस नहीं। तुम भी पियो मत। नहीं फिनिश करो, फिनिश करो, फिनिश करो, दोनों पियो, दोनों पियो, आधा आधा चलो। नहीं इसको फिनिश करो बस। नहीं नहीं इसको मुझे फिनिश चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे फिनिश चाहिए। आप ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, फिनिश बुखार चाहिए आपको भी, बुखार होने वाला है, पियो जल्दी। मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाऊँ? ओके जाओ। अरे अभी भी तो हो गई है, अभी कैसे आ रही है? रुको अभी। अरे ऐसे कैसे हो रही है? चलो ठीक है जाओ। अरे ग्लास कहाँ लेके जा रही है? वहीं पी लूंगी। वहाँ वॉशरूम में कौन पीता है काढ़ा? अच्छा जल्दी आना। पी लिया काढ़ा, हो गई तबीयत ठीक। ये बच्चे भी ना, ये वॉशरूम में कौन काढ़ा पीता है यार? जीवी है, पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई, अब कैसे ठीक होगा? कहीं कोरोना तो नहीं हो गया इनको? क्या करूंगी मैं, अभी तक आए क्यों नहीं है? रिद्धि कविता जल्दी आओ, क्या कर रहे हो तुम? हाँ मम्मी हो गया, सही है काढ़ा पीने से ना? हाँ हाँ पी, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तुम लोग रेस्ट करो, अब मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ, मूंग की दाल की पतली वाली। खिचड़ी नहीं, चलो जाओ रेस्ट करो, खिचड़ी लेकर आती हूँ आधे घंटे में, गो। ओए रिद्धि तू मेरे फोन में गेम खेल रही है? हाँ, जल्दी देख कर फोन चाहिए, मैं ले एक ग्लास पानी लेकर आऊँ। एक मिनट रुक, एक मैसेज कर रही हूँ, एक मिनट एक मिनट। दीदी बहुत पानी पीतेगा। तो हम दोनों को छोड़ेगी, सिखा नहीं सकते थे। ग्लास में पानी लाना सिखाओ मैं तुझे। ग्लास पानी लाने के लिए पूरा पूरा ग्लास ही तोड़ दिया। आपको किसे हुआ है? नहीं किसे हुआ है? आपको क्या हुआ? तुम लोग इतना क्यों हल्ला कर रहे हो? पांग इसके काम है ना ये सब। क्या हुआ? दीदी के पास। अरे क्या हुआ? ये कांच किसने तोड़ा? इसने तोड़ा। अरे इसकी वजह से हुआ, मुझे तो पहले से पता था एक ना एक दिन टूटेगा ही टूटेगा, इतना फेवरेट सेट था मेरा वो। ये इनकी वजह से ना, मैं ये इनकी वजह से हुआ। ये मैं बस क्या ही करती थी कि कांच के ग्लास में दूसरे ग्लास मिलाना। कितनी बार मना करा मैंने कि ये कांच के ग्लास को टच करा दूंगी। अब इन्होंने बाकी पानी ना खोल दिया। ये स्टील की ग्लास में नहीं ला सकती थी, मुझे पहले से ही पता था। आज तो मुझे सुबह से ही लग रहा था कि ये रिद्धि फिर टूटे काम करने वाले, और गिरा दिया मेरा फेवरेट सेट तोड़ दिया। अब जाए यहाँ से, शिकायत बोलूंगी पापा से, आने थे पापा को आज। हाय आ गई मेरी बेटी। हाँ और कैसा रहा दिन? अच्छा था, आप बताओ? बस ठीक है, आप बताओ मैं खाने में क्या बनाऊँ तेरे लिए? कुछ भी बना दो, कोफ्ते बना दो। हाँ तो लेकिन लौकी नहीं है और बेसन भी कम बचा है। चलो कोई नहीं, कुछ और बना दो। पनीर बना दो। हाँ तो पनीर भी तो नहीं है, कुछ और बना दो। क्या बनाऊँ? आलू के पराठे? हाँ बना दो, पर दही खत्म हो गई यार, अभी सुबह सुबह इसने खा ली।
तो कुछ और जो घर में है वो बना दो। घर में तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर, तू बाजार से कद्दू और आधा किलो टमाटर ला दे, मैं तेरे लिए। मम्मी कहाँ कोफ्ते बोल के तुम कद्दू को पहुँच गई हो यार। आप रहने ही दो, मैं मार्केट से कुछ लेके आ जाऊंगी। मैं हूँ तो तेरी माँ, जिंदा तो है, मर ना गई है। मैं बनाऊंगी तेरे लिए खाना। अरे एक सब्जी में क्या हो रहा है? नहीं, रोटी मैं बना चुकी हूँ, बस मुझे सब्जी बनानी है। बस तू बता दे क्या सब्जी बनाऊं। आपके पास जो है वो बना दो प्लीज यार। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करना, तू लेके तो आ जा बाहर से। मम्मी मैं थक गई हूँ। एक काम कर, तू लौकी ही लेके आ, थोड़ा बेसन लेके आ जा, मैं तेरे को सुना दूंगी। जाना लेके आ जाना प्लीज। इतना सेकंड नहीं खाने की, सुबह से मैं भी थक गई हूँ, इतना सारा काम करती थी किचन में, मेरे पैर भी थक गए हैं। कोई कुछ चिंता नहीं करता मेरे। ठीक है ठीक है, रोल। अरे यार शांत हो जाओ। ठीक है यार जा रही हूँ, इतना इमोशनल मत हो। हाँ ठीक है, ला दे एक कद्दू, ला देना आधा किलो टमाटर, ला देना। ठीक है ला रही हूँ। और कुछ? हाँ एक माजा ला देना प्लीज, मेरे लिए बहुत मन कर रहा है पीने को। अच्छा चलो पैसे दे दो। पैसे? मतलब पैसे तो मैं दूँ? मतलब इतना थक गया हूँ, सारा काम करते, मुझे तो कोई सैलरी देता नहीं है। सब्जी लाने के लिए पैसे मैं दूँ? मैं तो कमा के ले ली है सब कुछ, मैं तो मैं दे रही हूँ। जाना जा सब्जी लेकर आ, वरना मैंने मैडम मैं भी सो रही हूँ। यार चलो मत लेके आ रही हूँ, सारा काम कुछ समझता ही नहीं है मुझे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए बाय।